नहीं, हम अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, मुझे खुशी है। और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया, और खासकर जो हमारी क्राइम ब्रांच है और उसके साथ जो हमारी पुलिस के लोग हैं, और जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थे, जिस लेडी ने इस केस को उस वक्त लड़ने की पहल की, और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, इनका सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सब ने मिलजुल के जो काम किया उसके लिए, उनकी जितनी भी तारीफ हो, तमाम प्रेशर्स के बावजूद मुझे लगता है वो कम है। और इससे हमारी जो जुडिशरी है, हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है, उसमें लोगों का यकीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो है रेप्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। एक तो इसको क्रिमिनलाइज करना और पोलिटिसाइज करना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है कि हमारे मुल्क में दूध पीती बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता है। और उसके बाद उसको ये मुसलमान थी, ये हिंदू थी, किसने रेप किया, मुस्लिम ने किया, हिंदू ने किया, सिख ने किया, तो यही झगड़ा होता है। ये बात नहीं होती है कि भाई ये बच्ची थी, इसके साथ हैवानियत हुई है, इस बच्ची को कैसे इंसाफ मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस केस में जो सजा मिलेगी, ये जो इसमें मुलजिम है, वो ऐसी सजा होनी चाहिए कि ताकि आने वाले वक्त में जो बाकी लोग हैं ऐसी हरकत करने से वो बिल्कुल दूर रहे, और ऐसी हरकत करने की जुरत ना करें, उनके दिल में डर पैदा हो जाए।